डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। कुछ और नोटिफिकेशंस हैं, पिछले एक हफ्ते में हम आपको बहुत सारा रिस्पांस नहीं कर पाए, इस वजह से कुछ पर्सनल रीज़न थे, पिछले वीडियो में मैंने शेयर करा है। नेशनल पीजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट वीडियो आप लोग देख लेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। पिछले एक हफ्ते में आप बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज रहे हैं, उन सारे क्वेरीज को देखते हुए उनको जनरलाइज करते हैं इस वीडियो में, और हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या नए डेवलपमेंट्स हुए ओवर द वीक और आपको किन किन बातों का प्रिकॉशन लेना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से रिलेटेड बच्चों के बहुत सारे क्वेरी रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, डेट क्या है, वो सारे इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे। आप गूगल पे सिंपल LKO.UNIF आप इतना सर्च करोगे, आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ बहुत सारे आपको आइकन्स मिलेंगे, वहाँ पे होम पेज पे आपको ढूंढना है एडमिशन। ज़्यादा आसान है, आप गूगल पे केवल इतना सर्च करोगे LKO.UNIF, लखनऊ डॉट यूनिवर्सिटी वाला यूनिव, आपको सीधे जैसे ही आप इतना सर्च करोगे आपको हाईलाइट हो जाएगा सबसे ऊपर एडमिशन का लिंक। एडमिशन का लिंक आप क्लिक करोगे वापस आपको ये विंडो मिल जाएगी। तो विंडो मिलेगी आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, उसमें आपको देखना क्या है, काउंसलिंग पोर्टल फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग पोर्टल फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें एक डेट आ रही है, लास्ट डेट विदाउट लेट फी, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डेट बताई गई है विदाउट फी। तो इसका मतलब है कि लेट फी के साथ, विदाउट लेट फी इसका मतलब है ये नॉर्मल डेट है, इसके बाद एक और डेट भी आएगी जिसमें विद सबमिशन ऑफ लेट फी भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल वो अभी तो मालूम नहीं है, तो अभी क्या मालूम है वो रिवील करते हैं। लास्ट डेट विदाउट लेट फी फॉर सबमिशन ऑफ और फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे बताया गया है 17th August और 24th August। आप जाके चेक कर लोगे, बहुत सारे कोर्सेस के लिए, मोस्टली यूजी कोर्सेस के लिए, मोस्टली यूजी कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट 17th August है, और मोस्टली पीजी और फर्दर कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट 24th August है। लेकिन फिर भी आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे और अपने आप जो आपके कोर्सेज हैं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में वेराइटी ऑफ कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, फाइन आर्ट्स भी है वहाँ पर, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं वहाँ पर, इकोनॉमिक्स भी है, ऑनर्स भी है, बीए ऑनर्स भी है, देर आर वेराइटी ऑफ कोर्सेज, और पीएचडी के लिए भी बहुत सारे विंग्स बने हैं, रिसर्च स्कॉलर। तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में हो, आप एमए करने जा रहे हो, एमएससी करने जा रहे हो, या एमए किन सब्जेक्ट्स से कर रहे हो, तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ से सीधे एक्सेस आपको मिल जाएगा। इन जनरल अगर देखा जाए तो मोस्टली यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो डेट है वो 17th August है, और मोस्टली पीजी कोर्सेज के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट 24th August है। और ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि LU ने अपनी साइट पे लिखा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विदाउट लेट फी वो ये है, यूजी के लिए 17th August, पीजी के लिए 24th August। इसका मतलब यहाँ पर इम्प्लाइड है, हिडन है, छुपी हुई बात है, अंडरस्टूड बात है कि आगे भी एक डेट और आएगी जिसमें कुछ अमाउंट देकर आप लेट फी के साथ भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। बच्चों का एक और सवाल आ रहा है कि सर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए हैं हम अभी तक, और हमने डॉक्यूमेंट्स बाकी अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप इस समय जो है एक कॉमन सेंस का यूज़ करें जो आपको लगता है, हैरान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे नेशनल पीजी कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दे दिया है साफ साफ कि अगर आपसे कुछ करेक्शन आपको चाहिए तो वहां लिखा हुआ है लॉगिन फॉर मेकिंग द करेक्शन, साफ साफ लिखा है आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ गलत अपलोड कर दिया है तो करेक्शन के लिए। तो यहां भी आप वेबसाइट पे सर्च करते रहें लगातार, आपको यहां भी कुछ ना कुछ सूनर और लेटर एक लिंक ऐसा मिल जाएगा, या वेबसाइट अगर आप देखें तो हो सकता हो कि लिंक हमारे वीडियो पोस्ट करते करते वहां पे जनरेट भी हो। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप प्रिकॉशन लेंगे, आपके पास लॉकडाउन है, फंसे हुए हैं, सर्टिफिकेट कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, पुराना है, नया बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हैं आप, तो फिलहाल जो है वो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आप उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। और इन द मीन वाइल आप कोशिश करिए कि नया बन जाए, अगर आपके पास कॉलेज से कॉल आती है, यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, तो उस समय आप वहाँ पर नया वाला लेटेस्ट प्रोड्यूस कर देंगे। एक नेचुरल जस्टिस यूनिवर्सिटी भी ध्यान रखेगी, लेकिन अपनी तरफ से आपको कैजुअल नहीं होना है। अगर आप अपने पूरे प्रयास करिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट लेटेस्ट होंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए वैलिड माने जाएंगे।
अब आते हैं हम जरा टॉपिक वाइज, क्योंकि नेशनल पीजी कॉलेज बाकी कॉलेजेस और लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग में एक डिफरेंस है, वो यहाँ क्लियर कर दें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स नेशनल पीजी में दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होता है, ध्यान रखें। अगर आप नेशनल पीजी में अप्लाई करना चाह रहे हो बीकॉम ऑनर्स, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, बीकॉम के लिए एक फॉर्म और बीकॉम ऑनर्स के लिए लुआक मैट का फॉर्म, ये पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर दोनों के लिए एक कंबाइंड मेरिट बनेगी, बीकॉम रेगुलर मतलब पूरी तरह गवर्नमेंट एडेड वाली सीट, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और बीकॉम ऑनर्स, तीनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, उसी पे मेरिट बनेगी और उसी के बेस पे डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। गॉट इट? इन द सेम वे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीए और बीए ऑनर्स के लिए भी एक ही फॉर्म भरा जाएगा, कंबाइंड मेरिट बनेगी। एलएलबी 5 ईयर, ये सारे इन सारे कोर्सेज के लिए जो डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए वो 17 अगस्त है। एलएलबी 5 ईयर, इसको बोलते हैं इंटेग्रेटेड प्रोग्राम। एक बार फिर क्लियर करते हैं यहाँ पर, ये सारे एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बार बार बताया है मेरिट बेस्ड होंगे, और यूजी कोर्सेज के लिए मेरिट का बेस क्या होगा वो भी वेबसाइट पे साफ साफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सीधे विजिबल है। यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे किसी भी कोर्स में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल और केवल 12th के मार्क्स पर लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरिट बनाएगा, 10th के मार्क्स दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एट ऑल, वो 12th के मार्क्स पे ही मेरिट बनाएंगे। तो ये बात हो गई लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट्स क्या है, और उसके लिए लास्ट डेट के अलावा भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर फर्दर एक्सटेंशन होगा तो कुछ लेट फीस, नॉमिनल लेट फी जमा करके आप आगे डेट भी आपको ये बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन सजेशन यही है कि विद इन ड्यू डेट आप पहले ही 2-4 दिन पहले ही, या अगर आप यूजी पे हैं तो आज की डेट पे 15 अगस्त पे तो ये वीडियो ही बन रहा है, तो आप आज ही इसको अपलोड कर दें, क्योंकि लास्ट डे सर्वर पर लोड होता है और अक्सर ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड नहीं हो पाते। दूसरी बात, बच्चों की लगातार हेल्प करने के लिए हम वीडियोज आपको दे रहे हैं, आज शाम को 8 बजे मतलब रात को 8 बजे एक लाइव क्विज है, जिसमें आपको थोड़ा पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ कैश प्राइस भी रखा गया है, और हम कोशिश करेंगे आप में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी डालने के लिए, आपकी और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पर कुछ ना कुछ कैश प्राइस आपको देते रहेंगे, वीक में 1 या 2 बार क्विज कराते रहेंगे, तो उससे रिलेटेड भी आप वीडियो देखिएगा, शाम को 8 बजे आपको वहाँ पर एक क्विज सेशन भी मिल जाएगा। और भी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम टाइम टू टाइम आप तक प्रोड्यूस करते रहेंगे। बने रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और मज़े से रहिए। गॉड ब्लेस।